विवेचना के चलते ही पता चलेगा। मध्य प्रदेश के दतिया जिला मुख्यालय पर 2 महीने पहले हुई लगभग 1.25 लाख की चोरी का खुलासा करने में नाकाम हुई पुलिस। दतिया में हो रही वारदातों और चोरी के घटनाओं को देखते हुए दतिया पुलिस चोरों और अपराधियों पर अंकुश लगाने पर नाकाम साबित हो रही है। पिछले 2 महीने पहले वरदान गुलाब जामुन फैक्ट्री में 23 अप्रैल को लगभग 1.25 लाख नकदी की चोरी हुई थी। फैक्ट्री के मालिक श्री राम प्रकाश द्वारा चोरी की FIR थाने में 24 अप्रैल को दर्ज करा दी गई थी। इसके बाद भी पुलिस ने फैक्ट्री आकर जाँच पड़ताल और पूछताछ कर खानापूर्ति भी की। इसके बाद आज तक ना तो चोरी की घटना का खुलासा हुआ है और ना ही CCTV में दिख रहे चोर को पुलिस अभी तक गिरफ्तार कर सकी है। इसी घटना को लेकर आज वरदान गुलाब जामुन फैक्ट्री के लगभग 40 कर्मचारी पुलिस अधीक्षक डी कल्याण चक्रवर्ती को ज्ञापन देने के लिए पुराने कलेक्टोरेट भवन पहुँचे, जहाँ अतिरिक्त तो पुलिस अधीक्षक मंजीत सिंह चावला ने ज्ञापन लेकर कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। दतिया से राकेश सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। इसमें उन्होंने ज्ञापन दिया है, उसमें एक्चुअली में एक चोरी हुई थी, 5-1 लाख रुपए उसमें चले गए थे नगद सिविल लाइन थाने में। उसमें पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ सस्पेक्ट आए हैं उसमें, तो उनको हम आइडेंटिफाइड कर रहे हैं और अतिशीघ्र खुलासा कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी सर? हाँ, पूरा प्रयास है कि जल्दी से खुलासा हो सके। मध्य प्रदेश